नमस्ते कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ। स्कॉर्पियो लग्न के लिए 2022 कैसा रहेगा वृश्चिक लग्न के लिए। तो आप देखिए स्कॉर्पियो लग्न के लिए जो लग्न शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि 16 प्रकार की कुंडलियां बनती है, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नवमांश, दशांश, होरा। उसमें से लग्न कुंडली में अगर पहले ही घर में अगर 8 लिखा होगा तो ये वीडियो देखिएगा, नहीं तो इसको स्टॉप करने दीजिएगा। ये लग्न के हिसाब से प्रेडिक्शन है, जब ऐसे वीडियो आप देखते हैं तो जरूर देखें कि इसके लॉजिक क्या इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त। तो मैं वेरी फर्स्ट थिंग आपको बोला कि वृश्चिक लग्न है तो करिएगा। और ये जो 2022 का साल है ये आपके लिए मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत अच्छा है, दोनों तरीके से अच्छा है। इसमें थोड़ा बीच में थोड़ा संभालने की बात है, जब शनि आपके कर्मस्थान को देखने लग जाएगा उतना देर तक के लिए, मतलब दो देखिए वेरी फर्स्ट थिंग आपके लिए जो ये स्टार्टिंग में जो गुरु है 20 नवंबर से 2021 से अप्रैल 2022 तक गुरु कुंभ राशि में, यानी कि आपके चौथे राजस्थान में, और ये आपके कर्मस्थान को देख रहा है, मतलब आप कोई नया बिजनेस शुरू करेंगे ये संभावना ज्यादा है। बहुत वक्त से अगर जो आप घर को प्लान करने की कोशिश में, चतुर्थ का गुरु है, घर भी प्लान होगा नया, ओल्ड एज में आपका कुछ, अगर जो मेरी एज के हैं आप मेरे से और 5 साल बड़े हैं तो ओल्ड एज को प्लानिंग करने की कोशिश करेंगे ये समय में। चतुर्थ स्थान का गुरु है, मतलब ये घर का आपको सुख देगा। और इस साल को मैं दो टुकड़े में डिवाइड कर सकता हूं, आपका अप्रैल तक का जो समय, ये नवंबर से अप्रैल तक का ये समय है आपके लिए घर की मन की शांति का समय, और 13 अप्रैल से 20 अप्रैल 2023 तक का जो समय है ये संतान स्थान में गया हुआ गुरु है। दोस्त हुआ अनमेरिड, उनके विवाह का मीटर ऑन हो गया, जिनको प्यार करना है उनके लिए भी बेस्ट है क्योंकि लव हाउस में गुरु गया, यानी कि जो ज्यादातर मैं स्कॉर्पियन को देखता हूँ कि यू आर वेरी फीलिंग वेरी अट्रैक्शन टुवर्ड्स योर अपोजिट सेक्स, अपोजिट सेक्स का बहुत जबरदस्त आकर्षण आप लोगों में होता है। ये पांचवा गुरु कोई ना कोई लव अफेयर भी खड़ा कराएगा, स्टूडेंट के लिए भी बेस्ट साबित होगा। 13 अप्रैल 2022 से 20 अप्रैल 2023 तक आपके एजुकेशन हाउस से जाता हुआ गुरु आपको, स्टूडेंट को पंचम स्थान का गुरु है, यानी कि कोई ना कोई बहुत बड़ी ऊंचाई यानी कि कामयाबी देगा स्टूडेंट के लिए। अगर समझो आप कोई CA फाइनल कर रहा है, मेडिकल फाइनेंस कर रहा है, या कोई और चीज का फाइनल कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया साबित होगा। मैं जो भी देखा है पर्टिकुलरली पांचवा गुरु है वो 11वें स्थान को देख रहा है, यानी कि शेयर बाजार से रिलेटेड मैं ज्यादातर आप लोगों को देखता हूँ, दो द्वार रिलेटेड विद द शेयर मार्केट्स, उनके लिए भी अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 तक का जो समय है आपके फिफ्थ हाउस से, शेयर बाजार के हाउस से या बुद्धि के स्थान से जो जा रहा है ये गुरु आपके लिए कोई ना कहीं लाभदायक रहेगा। मैं ज्यादातर देखिए आप जैसे लोगों को स्कॉर्पियंस को सरकारी कामकाज में देखता हूँ, शेयर बाजार में बहुत इंटरेस्टेड लोगों को देखता हूँ, फाइनेंशियल एडवाइजर को देखता हूँ, टीचर को देखता हूँ, जैसे टीचिंग एडवाइजरी काम में मैं स्कॉर्पियंस को बहुत देखता हूँ अगर फीमेल है, और गुरु इसी तरीके से अगर चतुर्थ में लग्न में सेकंड हाउस में सेवेंथ में तो टीचिंग जैसे फील्ड में भी मैंने बहुत स्कॉर्पियंस को देखा है। फाइनेंस उनका फील्ड होता है, कभी कभी मैं इनको जंगल के कार्यक्रम, जंगल में से जो निकलता है पैदाइश निकलती है जंगल से, उससे रिलेटेड भी मैंने देखा है, जैसे फार्मा का जो कोई प्रोडक्ट है उनसे भी रिलेटेड देखा है। फार्मा के प्रोडक्ट के लिए जरा शनि का भी फेवरेबल होना जरूरी है, और मैनेजमेंट के हायर लेवल पर भी मैंने सिंह राशि आपके कर्मस्थान जो फाइनेंस है वो आपका मेन फील्ड है, मैंने फाइनेंस में भी बहुत सारे स्कॉर्पियंस को देखा है। तो ये इस साल आपके लिए दोनों बार धुआंधार है, बट इसमें देखिए आप जो 23 जनवरी जब शनि के बारे में अगर सोचते हैं, 23 जनवरी 2020 से 28 अप्रैल 2022 तक का जो सफर है शनि का वो आपके तृतीय स्थान में रहा, यानी कि भाई बहन का जवाबदारी से आप कनेक्ट हुए। और उसमें भी देखिए मैं 20 नवंबर के पहले जो आपके संतान है बड़े होंगे तो अपने मैटरनल अंकल यानी कि मामा के साथ कनेक्ट हुए होंगे, आपके जो चाइल्ड है अपने मामा या आपके भाई के साथ, यानी कि आपके भाई के साथ यानी कि मामा या चाचा के साथ कनेक्ट होते हुए देखा हुआ होगा। अगर आप फीमेल है तो उनके मामा के साथ, और अगर आप मेल है तो आपके बच्चे आपके उनके चाचा के साथ अटैच होते हुए भी आपने देखा होगा। ये नवंबर तक का जो सीनरियो है वो ये रहेगा, नवंबर से भी चित्र बदलने लगा है आपका, और 23 जनवरी 2020 से 28 अप्रैल 2022 तक के समय में भाई बहन का बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके सर पे आया हुआ, क्योंकि शनि रिस्पॉन्सिबिलिटी का कारक है
और आपके थर्ड हाउस में, यानी कि ये आपके मथे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई बहन का डालने वाला है, वो आपने लिया 29 अप्रैल से 11 जुलाई में। देखिए अभी मैं जो बोल रहा हूं आपको, जो जॉब चेंज करना है अगर आपको, तो जॉब 12 अप्रैल के पहले जॉब चेंज कर लीजिएगा, 12 अप्रैल के बाद नहीं, क्योंकि 12 अप्रैल के बाद गुरु का जो थोड़ा बहुत सपोर्ट है वो थोड़ा माइनस हो जाएगा, क्योंकि कर्मस्थान पर शनि की एस्पेक्ट चालू हो जाएगी। यानी कि 12 अप्रैल तक हो सकता है, बहुत टाइम से अगर आप प्रमोशन के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो नवंबर 2021 से 12 अप्रैल तक में आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। मतलब अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जहां प्रमोशन, मैं ऐसा नहीं बोलता कि मुफ्त में मिल जाता है, खैरात में मिल जाता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, बट ये टाइम आपके लिए आपके जो बॉसेस है उनके तरफ से एप्रिसिएशन मिलने की संभावना ज्यादा है। अभी 29 अप्रैल से 11 जुलाई तक आपके चतुर्थ में शनि आ जाएगा, जो कर्मस्थान को देखने लग जाएगा, यानी कि काम धंधे में कोई भी चीज आज का काम कल के लिए डाल सकते हैं, बाद में वापस शनि वक्री होता है और मकर में चला जाएगा। शनि एक बार आगे आता और फिर से पीछे चला जाता है, यानी कि 12 जुलाई से 16 जनवरी 2023 तक बाद में शनि का नेगेटिविटी नहीं रहेगा, लेकिन 29 अप्रैल से 11 जुलाई तक आपके काम धंधे में आप जो भी काम करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पे मार दिया जाएगा, काम वर्कलोड बढ़ेगा, हो सकता है रिटर्न कम हो, छुट्टियां ना मिले, और आपको प्रमोशन मिलना हो तो 12 अप्रैल के पहले मिल जाएगा, 28 भी नहीं, 12 अप्रैल के पहले, जब तक गुरु आपके कर्मस्थान को देख रहा है। मतलब ये जो टाइम है उसमें आप, आपके अगर बहुत दिन से अगर आप सपना देख रहे हैं नया घर लेने का, ड्रीम देख रहे हैं नए घर का या ओल्ड एज को प्लान करने का, तो ये साल अप्रैल 2022 तक एकदम मजबूती से आपका ओल्ड एज आप प्लान करेंगे, बाद में शेयर बाजार की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, आपके बच्चों की तरक्की देखने का टाइम हो जाएगा शुरू 13 अप्रैल 2022 से 20 अप्रैल 2023 तक। ये जो अप्रैल 22 से अप्रैल 23 तक का जो समय है ये बच्चों की तरक्की देखने का समय है, यानी कि आप काम करेंगे बच्चों के बेनिफिट के लिए, ज्यादा काम मेहनत करेंगे। 29 अप्रैल से 11 जुलाई तक आपका जो कंसंट्रेशन, देखिए उसमें पर्टिकुलरली मैंने बोला ऐसा, कहीं ना कहीं आपका वजन भी बढ़ेगा, क्योंकि गुरु की एस्पेक्ट आपका जल राशि का लग्न है और जल राशि का पंचम स्थान यहां से ये ट्राइन में उसको देखेगा लग्न को, यानी कि आपका वजन भी बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको, यानी हैवी बॉडी होने लग जाएगा। और बच्चों की तरक्की अगर आप, आपके देखिए आपके अगर आप प्लान कर रहे हैं बच्चे के लिए, और बहुत साल समझो, कभी कभी क्या होता है जो डिले मैरिज होती है आजकल, देखिए पहले के जमाना ऐसा था कि 20 के पहले विवाह होते थे, फिर आज हम, हमारा जमाना जो हमारा, हमने जो युग देखा उसमें लगभग 27 में शादी कर रहे हैं, अभी जो युग आ रहा है वो लोग 32-35 साल तक, 35 साल तक शादी नहीं करते, फिर फर्टिलिटी के प्रॉब्लम, दूसरे प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं। अगर आप हस्बैंड या वाइफ दोनों में से एक भी स्कॉर्पियन है तो आपके संतान स्थान से जाता हुआ गुरु आपके लिए संतान योग भी बना रहा है 13 अप्रैल से 20 अप्रैल तक। आप हो सकता है अगर उम्र में बड़े हो तो आपके ग्रैंड चिल्ड्रन हो सकते हैं, मतलब बच्चों के घर बच्चे हो सकते हैं, आप दादा दादी बन सकते हैं, नाना नानी बन सकते हैं, ये समय आपके लिए ग्रैंड चिल्ड्रन का एंजॉय करने का टाइम है। दिस इज द गुड टाइम टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज 13 अप्रैल 2022 से 20 अप्रैल 2023 में संतान सुख भी मिलेगा बच्चों। और अगर बहुत वक्त से आपके बच्चे, समझो अभी देखिए अभी कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग जॉबलेस है, मतलब जिनके पास काम धंधा नहीं है, उनके लिए समझो आपके ऐसे बच्चे ही है तो वो कहीं ना कहीं सेट नहीं हो पा रहे, तो अगर बच्चे आप स्कॉर्पियन है तो आपके बच्चे 13 अप्रैल 2022 से 20 अप्रैल 2023 में सेट भी हो जाएंगे। आप विवाह के लिए कोशिश कर रहे हैं उनकी, तो विवाह भी क्लिक हो जाएगा, यानी कि आपके बच्चों के लिए कुछ ना कुछ में संतान स्थान में बैठा हुआ गुरु कुछ ना कुछ शुभत्व उनके दामन में डाल देगा। सबसे पहली बात, ये साल में 29 अप्रैल से 11 जुलाई तक आपके कर्मस्थान को गुरु शनि देख रहा है, तो इस वक्त आप शनि मंदिर में जाइएगा, हनुमान जी का कहीं भी मूर्ति हो और उसके पैर के नीचे शनि हो, देखिए शनि को दबा के रखा हो हनुमान जी ने पैर के नीचे, तो ऐसी जगह जाकर तेल चढ़ाइएगा हनुमान जी को, हो सके तो अगर आपको लगता है तेल चढ़ाना वेस्टेज है तो पुअर पीपल को हेल्प करो, पुअर पीपल को हेल्प करोगे शनि को हेल्प होगा, शनि आप पर खुश रहे तो आपके काम धंधे में, या देखिए आपके काम धंधे में एक तनाव सा वातावरण, आपके घर में भी एक तनाव सा वातावरण होता है, बड़ा डिसिप्लिन वातावरण होता है, क्योंकि आपके पापा है लियो पापा, लियो पापा मतलब नो कॉम्प्रोमाइज, मामा ने जिंदगी भर आपके डैडी को बर्दाश्त किया होगा, डैडी के रुबाब को बर्दाश्त किया होगा, ये अच्छी तरह से आप जानते हैं, घर में एक तनाव भरा वातावरण होता है, डिसिप्लिन वातावरण, यानी मामा ने बहुत कोई चीज का शॉर्टेज कैपेसिटी देखा हुआ, मामा है और डैडी है बहुत रुबाबदार, नो कॉम्प्रोमाइज, कभी आप हार के टूट के घर आते हो आपके डैडी आपको ये बोलेंगे अरे तू मेरा बेटा और हार गया, ऐसा नहीं चलेगा, और आपको एनकरेज कर सकते हैं, बट डैडी आपके थोड़े सेल्फ रिस्पेक्टिव पर्सनैलिटी है और वो तनाव भरा जो वातावरण है, मैं हमेशा स्कॉर्पियन को दूसरा भी एक बात बोलता हूँ कि आपके सिंह राशि कर्मस्थान में आपका नॉलेज आपका जागीर है,
रोज सुबह सूर्य को जल दो, आपके काम धंधे में और ग्रोथ मिलेगा। जल दो और रिवेंजस नेचर छोड़ दो। अभी किसी ने भी अगर आपको बचपन में भी अगर एक थप्पड़ मारी हो तो आप बुढ़ापे तक उसको याद रख सकते हैं। आप स्कॉर्पियन है, स्कॉर्पियन है ये अपने बच्चों के लिए अपना कैरियर छोड़ देते हैं, मैंने बहुत बार ये भी देखा है। मतलब अभी जो आपके फिफ्थ हाउस में जो गुरु आया है, ये हो सकता है कि आपके बच्चे के लिए आप कोई कैरियर छोड़ दो। कुछ ना कुछ आपके संतान का इस वक्त आप बहुत अच्छा, मतलब ये 2022 स्कॉर्पियंस के लिए बहुत अच्छा उम्मीदजनक साल है। अभी सेवेंथ हाउस में राहु है आपके, यानी कि जो हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ का जो आपका जो कनेक्शन है, सेवेंथ हाउस का राहु स्ट्रिक्ट, जैसे केतु लग्न में है तो ये 22 सितंबर 2020 से 11 अप्रैल 2022 तक का जो डेढ़ साल का जो समय, इस समय में आपको सेवेंथ हाउस का राहु की वजह से कंट्रोवर्सी रही मैरिज लाइफ में आपकी। दोस्त हुआ अनमेरिड हो सकता है, उनको मौका नहीं मिला मैरिज के लिए। सेवेंथ हाउस का राहु है ये अभी धीरे से सिक्स हाउस में जा रहा है। ये वक्री हमेशा राहु केतु ऑलवेज वक्री होते हैं, यानी कि दूसरी राशि से ये तीसरी राशि में नहीं जाते, तीसरे से चौथे में नहीं जाते, ये आगे नहीं बढ़ते, ये ऑलवेज पीछे चलते हैं। राहु केतु ऑलवेज वक्री होते हैं, सूर्य चंद्र कभी वक्री नहीं होता, यानी कि सूर्य चंद्र हमेशा सीधा ही चलता रहेगा। और बाकी के ग्रह वक्री हो सकते हैं, जब रेट्रो होता है कोई ग्रह तो इसका रिजल्ट थोड़ा कम हो जाता है, यानी कि इसके शुभत्व में कमी होती है, इसके अशुभत्व में भी कमी होती है, शुभत्व में भी कमी होती है। गुरु वक्री है, देखिए 100 अबाउट अंदाजन 4 महीना गुरु, आप लास्ट ईयर का भी देख लें, उसके पहले 3-4 सालों का देख लें, 120 साल लगभग गुरु वक्री होता है। 29 जुलाई से 23 नवंबर तक गुरु वक्री है, ये वक्री गुरु कमजोर हो जाता है, यानी कि आपके शुभत्व पर थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। बट इन शॉर्ट ये जो साल है सितंबर 2020 से अप्रैल 2022 के बाद ये राहु इधर चला जाएगा, यानी कि आपके पति के साथ का जो आपका कंट्रोवर्सी है पति या पत्नी के साथ, जैसे कि आपका जो स्पाउस है वो बड़ा रोमांटिक है, नंबर वन खाना खाने का बहुत शौकीन है, एक से ज्यादा भाषा जानता है, या तो एक से ज्यादा भाषा, एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम है उसके पास, एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम है, या मध्य राशि मिथुन राशि को ड्यूअलिटी से संबंध है, स्पाउस की इनकम, यानी कि आपके स्पाउस को एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम है और वो बोलने में बहुत बहुत फ्लुएंट है। आप आपके स्पाउस से बहुत बार दब भी जाते हैं, आप स्कॉर्पियन है, आप रिवेंज लेने के चक्कर में, मैं ज्यादातर स्कॉर्पियन को देखता हूं कि रिवेंज लेने में अपनी जिंदगी को नर्क बना रहा है। नेवर ट्राई टू टेक अ रिवेंज। ज्यादातर मैं देखिए स्कॉर्पियन है, कर्क वृश्चिक और मीन, ये जो जल तत्वों की राशि है, इनको अध्यात्म की तरफ जाना चाहिए, ज्यादा अध्यात्म में जाओगे तो माफ कर पाओगे। और मैंने आपको एक तो सूर्य का जल चढ़ाने का बोला, रोज सुबह उठ के जब भी आप आपके ऑफिस को या वर्क प्लेस पे जाते हो तो जल चढ़ाओ सूर्य को और फिर आप जॉब पे जाओ। आपके कर्मस्थान में देखिए अभी बहुत एक अच्छा समय का शुरुआत नवंबर 2021 से हो चुका है, यानी कि अगर आप बिजनेस प्लानिंग कर रहे हैं नवंबर 2021 से अप्रैल 2022 में चतुर्थ का गुरु कर्मस्थान को देख रहा है, यानी कि आपको अगर बिजनेस के लिए आप शुरू कर रहे हैं कहीं भी, आप मैं आप जैसे लोगों को कंसल्टेंट भी देखा है, फाइनेंशियल एडवाइजर भी देखा, क्योंकि फाइनेंस को घुमाना आपको बहुत अच्छा लगता है। सी राशि कर्मस्थान में तो इस तरह का कोई काम आप सोच रहे हैं तो आगे बढ़ो। डेफिनेटली आपका कर्मस्थान में कौन सा ग्रह है ये भी जरूर देखना चाहिए, कर्मस्थान का ग्रह कौन से नक्षत्र में, जैसे कर्मेश आपका सूर्य कौन से नक्षत्र में, ये भी जरूर देखो। और नवमांश में ये कर्मस्थान का स्वामी सूर्य कौन से नक्षत्र, कौन सी राशि में, ये भी जरूर देखो। ये 4-5 चीज देखो, लेकिन ज्यादातर मैंने फाइनेंस से मैनेजमेंट में टॉप लेवल पे देखा है, मैंने सरकारी कामकाज में बहुत ऑथोराइज प्लेस पे देखा है, टीचिंग एडवाइजरी फील्ड में देखा है। अभी ये राहु केतु, मतलब इन शॉर्ट ये साल बड़ा अच्छा है आपके लिए। अप्रैल 2022 तक जहां लग्न में आपका केतु है, मतलब स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाओगे तो अच्छा, सप्तम में राहु है तो विष्णु सहस्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा, जब तक सेवेंथ में राहु है, इस सेवेंथ का राहु आपके पति के साथ कंट्रोवर्सी जरूर करवाता, बट ये काम धंधे के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट भी देता हुआ देखता हूं। अभी केतु है लग्न में तो आपको बहुत बार अपना भला बुरा भी आप नहीं समझ पाते, अब केतु जैसे ही 12वें स्थान में जाएगा, यानी कि आपके हाथ से अच्छे काम आध्यात्मिक काम होना शुरू हो जाएंगे ये, और 6वां राहु जाएगा दुश्मनों पर विजय प्राप्त करवाएगा, यानी कि जो अधूरा था गुरु की कृपा उसमें से राहु की कृपा और ऐड होगी, यानी कि आपके जो सितारे हैं 2022 में बहुत बुलंद है। अगर आप बिजनेस के लिए कोशिश कर रहे हैं तो गो अहेड, जल्दी से वो काम शुरू करो। अभी डेट वाइज प्रिडिक्शन करने के पहले जरा अंदाजा देता हूं,
कि देखिए अक्टूबर 2022 से जनवरी 2023 में मंगल वक्री हो रहा है। ये मंगल लगभग 80 दिन वक्री होता है। आप दो चार साल के रिकॉर्ड देख लें, उससे आपको थोड़ा अंदाजा आएगा। इस साल ये 75 डेज रेट्रो, लेकिन 79-78 डेज वक्री होता है मंगल। और ये मंगल जब वक्री होगा तो आपकी जिंदगी की गति यानी कि स्पीड रुकेगी, यानी कि जो आप जिस जगह पे आपका मंगल है वहां उसकी नेगेटिविटी हो या पॉजिटिविटी हो उसमें कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। जैसे कि आप जो मंगल है आपका लग्न है मंगल का, तो ये एनर्जेटिक लग्न है बट वेरी डिफेंसिव। मतलब देखिए सबसे लास्ट में आप काम शुरू करते हैं। अगर आपके कैडर पे और 5-6 लोग अगर हो आपके बॉस के साथ के हाथ के नीचे, तो आप सबसे लास्ट में काम शुरू करते हैं और सबसे पहले फिनिश कर देते हैं। आपका पहला गुण है ये। स्कॉर्पियो है तो बहुत स्पीड में काम करना जानते हैं और शेयर बाजार की तरफ इसलिए अट्रैक्ट होते हैं कि जल्दी अमीर बनने के चक्कर में। दोस्त हुआ स्कॉर्पियन एरीज, ये लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में होते हैं, और इवन कैप्रिकॉन भी। और अगर जन्म का मंगल अगर आपके फिफ्थ हाउस में है तो भी वो लोग ज्यादा जल्दी जल्दी अमीर बनने के चक्कर में फिर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपका रूलिंग साइन वृश्चिक लग्न है और मंगल आपका रूलिंग साइन का हीरो है। मतलब मंगल आपकी कुंडली चलाने वाला मेन हीरो है आपकी कुंडली में। 5 दिसंबर से 15 जनवरी तक लग्नेश लग्न में आ जाएगा। दिस इज द टाइम 15 जनवरी तक आप अपने आप को रिवाइज करेंगे, क्योंकि आप दिसंबर के पहले जो नवंबर महीना है उसमें कहीं ना कहीं इट विल बी एन एक्सपेंसिव टाइम। आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई बेवकूफ भी बनाएगा आपके पीठ के पीछे, थोड़ी बहुत बुराई भी चलती रहेगी आपको, वो समझ में आएगा जब आप ग्रो करते हो। नवंबर महीना ऐसा रहेगा, इट विल बी एन एक्सपेंसिव टाइम। नवंबर आपका एक्सपेंसिव रहेगा। दिसंबर और जनवरी 15 तारीख तक का टाइम ये आप रिवाइज करेंगे कि आपको कहां किसने किस तरह से बेवकूफ बना दिया। अभी आपके सितारे आपको धीरे धीरे फेवर करने ही वाले। 15 जनवरी 2022 तक आप कोई भी डिसीजन हो 5 दिसंबर से 15 जनवरी तक उसको पेंडिंग रखें। पेंडिंग मतलब इसमें रिवाइज करें 5 दिसंबर के पहले। मतलब नवंबर महीने में कोई बहुत बड़ा डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। जिस वक्त आपको ये वीडियो मिलेगा आपको ये चीज का अंदाजा भी आ जाएगा। अभी 5 दिसंबर से 15 जनवरी में आप रिवाइज करेंगे अपने आप को, कहां चूक रहे हैं, कहां बेवकूफ बन रहे हैं और क्या फ्यूचर स्टेप्स लेने चाहिए इसके बारे में स्टडी करें। दिस इज द टाइम टू बी इन्वेस्टेड फॉर योरसेल्फ। आप ये वक्त है यहां अपने आप पर आप खर्च करेंगे वक्त को। और सामने से चल के अगर कोई देखिए षष्ठेश है वो मंगल लग्न में आया तो यानी कि वो झगड़ा भी आपके सर पे लेके आ सकता है। इस समय कोई ना कोई कर्ज भी लेके आ सकता है, क्योंकि मैंने बताया था आपका घर लेने का योग बन रहा है। हो सकता है कोई कर्ज आप प्लानिंग कर रहे हैं, आप लोन लेके घर को बनाने के चक्कर में हो, तो ये भी हो सकता है कि आप आपका घर को इस वक्त में बनाने के चक्कर में कुछ ना कुछ कर्ज भी ले रहे हैं। 16 कर्ज सर पे आ सकता है। 16 जनवरी से कर्ज आ सकता है। पुलिस की किटपिट आ सकती है। पुलिस की किटपिट को आप पहचान लो, कोर्ट कचहरी का मामला उसको पहचान लो तो अच्छा है इस समय में। मतलब उसमें ये समय कोर्ट कचहरी का माथापुरी भी आपके गले में आ सकता है। 16 जनवरी से 25 फरवरी आपका पास धन का जो सोर्स है वो बहुत बड़ी ताकत से, हाथ में बहुत पैसा आना चाहिए आपका 16 जनवरी से 25 फरवरी में। और ये टाइम है आपके परिवार के साथ एंजॉय करने का टाइम, फूड फैमिली और फाइनेंस को एंजॉय करने का टाइम है। आपका बोला हुआ हो सकता है आपके घर के लोगों को 16 जनवरी से 25 फरवरी तक, लगभग 1.5 महीने का समय होता है हमेशा मंगल एक राशि में रहता है। ये 1.5 महीने में मंगल जनवरी का बाद का 15 दिन और फरवरी का पूरा आपके हाथ में पैसे का बहुत दबदबा रहेगा, यानी कि हाथ में बहुत सारा अमाउंट रहेगा पैसे का। 26 फरवरी से फिर से ये 6 अप्रैल तक का जो समय है, आपके भाई बहन के साथ का रिलेशंस को अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं तो वो कर पाएंगे। कभी कभी क्या होता है, मैं स्कॉर्पियन को देखता हूँ, एरिस को देखता हूँ, भाई बहन से बहुत जुड़े होते हैं, क्योंकि ये मंगल जो है वो ब्लड का रिलेशंस का ग्रह है। मैं ज्यादातर भाइयों को आजू बाजू ही रहते देखता हूँ, भाइयों के साथ का बहुत अटैचमेंट देखता हूँ, इवन एरिस को भी देखता हूँ, भाइयों के साथ का बहुत अटैचमेंट होता है। और आप आपके दुश्मन जैसा बर्ताव खुद करते हैं। यू आर एक्सपेंसिव पर्सन। कभी कभी खुद का दुश्मन खुद खड़ा करते हैं और वो ब्लडली बोल के अगले आदमी को रिवेंज लेने के हिसाब से, वो दो चार चीजों को माइनस कर दो। 26 फरवरी से 6 अप्रैल में भाई के साथ का, बहन के साथ का रिलेशंस को इंप्रूव करने की कोशिश करो, पड़ोसियों के साथ का। 7 अप्रैल से 16 मई जो मैं घर की बात कर रहा था वो लेने के बाद का समय, और ऐसा कि अगर घर नहीं भी दिया हो आपने तो दिस इज द टाइम यू विल फाइंड योरसेल्फ हैप्पी एट होम। 7 अप्रैल से 16 मई में आप आपके घर में बड़े आनंद में होंगे। यू विल फाइंड योरसेल्फ हैप्पी एट होम। घर में हो सकता है मेहमान का कोई ना कोई आगमन हुआ हो और आप बड़े आनंद में हैं। 7 अप्रैल से 16 मई आपके लिए
मामा के साथ अटैचमेंट का, ये मामा के साथ का जो छोटे उम्र में, तो मां के साथ का रिलेशंस को और मजबूत कर पाएंगे इस समय में। 17 पार से 26 ये आपके बच्चों की गति देखने का टाइम है, मतलब स्पीड, उनके जीवन में कहीं ना कहीं तरक्की का समय आप देखेंगे। 17 पार से 26 में बच्चा आपका प्रोग्रेस करता होगा, कहीं ना कहीं आपने उसके, मतलब उसके प्रोग्रेस कार्ड में जो आप चाहते हैं वो रिपोर्ट आप देख के आप खुश होंगे। 17 पार से 26 में हो सकता है कि आपका चिल्ड्रन, मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन का, कोई चिल्ड्रन या ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ एंजॉय करने का ये टाइम है 17 पार से 26। और आपका वजन भी बढ़ता रहेगा इस समय में, और आपको स्टेबिलिटी आ जाएगा जीवन में, स्थिरता आ जाएगा, क्योंकि ये जो गुरु है यहाँ से बैठकर आपके लग्न को भी देखता है, यानी कि आपके जीवन में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेगा। 27 जून से 9 अगस्त, केयरफुल फॉर दिस ईयर, ये जो समय है इसमें अगर आप लोन वोन प्लान किया हो तो बात अलग, इफ यू आर डूइंग सम लोन प्लानिंग करके घर वीर बनाने के चक्कर में तो कोशिश करिएगा 12 अप्रैल के पहले हो जाए, ये तो उसके बाद का समय है, बट ये समय में 27 जून से 9 अगस्त एक्सपेंसिव टाइम रहेगा। हो सकता है आपके मैटरनल अंकल, मामा मौसी से कोई बेनिफिट लेने की बात हो तो ये हो सकता है इस समय में। इस समय आपका जीवन कोर्ट कचहरी से भी झुलस, आप वहां उलझ सकते हैं, और कोर्ट कचहरी में भी 27 जून से 9 अगस्त आप बहुत एग्रेसिव रहेंगे, यानी कि आप झगड़ा के मूड में रहेंगे। जुलाई और 9 अगस्त तक का टाइम को बराबर ठीक से नोट कर लीजिएगा। इस टाइम में सामने से चल के आप दुश्मन खड़े करेंगे, आपने केयरफुल रहिएगा कहीं भी, देखिए जो आदमी हाजिर नहीं है उसके बारे में बात मत करो, निंदा में बड़ा रस होता है, अगले आदमी को भी बहुत अच्छा लगता है, आप दोनों मिलकर किसी की बुराई करते हो, बड़ा आनंद में सब्जेक्ट चलता है, बट कहीं आप उसको क्रिटिसाइज कर दोगे तो वो उसको नहीं चलेगा, वो आपको क्रिटिसाइज कर देगा तो वो आपको नहीं चलेगा, आप दोनों मिलकर किसी की बुराई करने में बड़ा आनंद होता है, इसके लिए निंदा रस शब्द इस्तेमाल होता है। ऐसे समय में 27 जून से 9 अगस्त में निंदा से कम दूर रहिएगा। एक सजेशन देता हूं, 10 अगस्त से 15, ये दिस इज द टाइम आप आपके काम धंधे में छा जाए, आपको टेम्पररी टाइमिंग ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा चांस आपके हाथ में आ गया, आपने जो कैलकुलेशन किया है वो सब कैलकुलेशन अभी ऑन द वे चलने लगा है बराबर। और 10 अगस्त से 15 अक्टूबर तक का समय आपके स्पाउस के साथ का अंडरस्टैंडिंग का टाइम, देखिए आप स्कॉर्पियन है, ज्यादातर मैं स्कॉर्पियन लोगों की वैवाहिक जीवन में देखता हूं, जहां भी देखो काटने दौड़ते हैं, जहां भी देखो पप्पा का एक तो रुबाबदार नेचर मिल जाता है और बहुत डिफेंसिव चलते हैं, मैं स्कॉर्पियंस को देखता हूं अपने सिस्टम में चलते हैं, उस सिस्टम में अगर कोई बीच में आ गया तो फिर उसके साथ रिवेंज का काम करते हैं, तो ये समय जो है रिवेंज का बात नहीं है, इस समय में आप आपके स्पाउस के साथ का बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे, दिस इज द टाइम। और अगर अनमैरिड है तो उनके लिए विवाह का ये एक मौका मिलेगा इसमें, देखिए ये एक अच्छा समय है, ये महीना या ये साल अप्रैल 13 अप्रैल से 20 अप्रैल ये मोहब्बत करने का समय है, का पूरा साल उसमें ये विवाह के लिए बेस्ट समय है 10 अगस्त से 15 अक्टूबर, मैंने जो बोला इफ यू आर अनमैरिड तो ये समय में 13 अप्रैल से 20 अप्रैल में 2023 में, ऐसे भी राहु महाराज आपका 7th हाउस छोड़ रहा है, यानी कि वहां भी बिगड़ा हुआ बचा, दोज हु आर अनमैरिड, जीवन भर अनमैरिड रहने वाले लोगों की कुंडली में 7th हाउस और 12th हाउस दोनों बिगड़ा होता है, यानी कि शनि राहु सूर्य मंगल ऐसे प्लेनेट 7th हाउस में होते हैं या 7th हाउस को देखते हैं, और इनमें से एक का प्लेनेट 12th हाउस में होता है, यानी कि बेडरूम भी बिगड़ा वैवाहिक जीवन भी बिगड़ा, तो अनमैरिड जैसे लोग जो जीते हैं उनके दोनों स्थान बिगड़ा होता है। अभी आपका सिर्फ राहु बिगड़ा था, वो भी अप्रैल से, वो भी राहु आपके 6th हाउस में गया, दुश्मनों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए वो राहु आपके लिए बहुत मजबूती से दुश्मनों के साथ वो बिहेव कर, आपके काम धंधे में वहां पॉलिटिक्स करना शुरू हो जाएगा, बट आप उनका कड़ा जवाब दे सकेंगे। ये समय में 10 अगस्त से 15 अक्टूबर आप छा जाएंगे, पब्लिक लाइफ में आ जाएंगे, लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे और आपके काम धंधे में आपको शाबाशी भी मिलेगा। 16 अक्टूबर 2022 से नवंबर 2022 में मानसिक टेंशन आएगा, एकदम टेंशन आ जाएगा, अगर आप समझो उम्र में 40-45 से बड़ी उम्र है फीमेल है, तो ये जो क्या बोल सकते हैं सेक्सुअल ऑर्गन है, जैसे गर्भाशय के प्रॉब्लम्स है, जो क्या बोल सकते हैं जो पाइल्स है, हरनिया है, जैसे इसको क्या बोल सकते हैं प्रोस्टेट जैसा ऑपरेशन है, ये सब का समय है ये 16 अक्टूबर से 12 नवंबर आपके लिए टेंशन का जाएगा। मैं स्कॉर्पियन को जब देखता हूँ, जो भी स्कॉर्पियन है इसका देखिए 8वां स्थान, ये 8वां स्थान लग्न में आया है तो आदमी बहुत सेक्सुअली बहुत एक्टिव होता है,
स्कॉर्पियंस को हमेशा आप लोग एक सजेशन देते हैं कि यू शुड कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम एडल्ट्री, यानी कि व्यभिचार से और स्कॉर्पियन को अपने आप को बहुत दूर रखना चाहिए। और यहाँ जो ये समय है 16 अक्टूबर से 12 नवंबर में आप कहीं ना कहीं अपमानित होंगे। अगर ये आदत जो स्कॉर्पियन में ज्यादातर पाई जाती है, मेल्स तो ज्यादातर मैं देखता हूँ कभी नशे का आदत पालते हैं, कभी और वाइन एंड वुमन इसके शौकीन बना देता है स्कॉर्पियन को। अगर आप अपने आप को कंट्रोल रख सकते हो, अपने आप को ये पहचान देते हो, देखिए एस्ट्रोलॉजी यही चीज है कि ये वो दिखाता है, सिग्नल दिखाता है कि यहाँ इसके आगे आपको नहीं जाना चाहिए, तो वो स्कॉर्पियंस को हम लोग बोलते हैं कि दी शुड बी, दे शुड बी केयरफुल। इसका ये मतलब नहीं हो गया, अगर आप इसका ये मतलब निकाल दोगे कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि बाकी के 11 लोग करें एडल्ट्री, नहीं ऐसा मतलब नहीं है। एडल्ट्री किसी को नहीं करना चाहिए, स्कॉर्पियन को तो सोचना भी नहीं चाहिए, नहीं तो फिर स्कॉर्पियन वो बर्बादी सर पे लेते हैं। किसी भी औरत की वजह से स्कॉर्पियन को बर्बाद हो जाते हुए मैंने देखा है। दे हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस, और ये समय आपके लिए बहुत अपमानजनक रहेगा, तो इसको मार्क कर लीजिएगा, ये अपमानजनक समय से आप पास होंगे। हो सकता है आपके मम्मी पापा के पास से कहीं कुछ इनहेरिटेंस में मांगना हो, तो ये समय बेस्ट है। माँ बाप से इनहेरिटेंस के समय ये दुख का समय, तो ये कहीं ना कहीं माँ बाप के साथ पास से इनहेरिटेंस के लिए कुछ बात करना हो, वारसे के लिए बात करना हो, तो ये टाइम उसके लिए अच्छा है, शुभ है। बाकी कोई काम के लिए ये शुभ समय नहीं है, तो ये समय में कोई भी डिसीजन आए उसको भी पेंडिंग रखिएगा। अभी यहाँ जाने के बाद देखिए मंगल रेट्रो हुआ है, यानी कि मिथुन राशि से वृषभ में गया है कर्क में जाने की बजाय, तो ये आपके वैवाहिक जीवन के लिए फिर से 13 नवंबर से मार्च 2023 तक, दोज हु आर अनमैरिड दे गॉट अगेन वन मोर चांस, 2023 तक, नवंबर 2022 से मार्च 2023 तक बहुत एक बहुत लंबा समय का फासला रहेगा। इस समय में विवाह का मौका मिलेगा अनमैरिड लोगों को, दोज हु आर मैरिड उनको उनके स्पाउस को समझने का मौका मिलेगा। तो इन शॉर्ट मैं इस आपका जो पूरा साल का जो सिनेरियो है उसमें मैं स्कॉर्पियन के जो टाइम है टर्म्स है उससे बहुत पॉजिटिव है इस, और ये जो मैंने जो डेट लिखा है मैरिज का, इसके बारे में जो देखिए मैंने ये तारीख लिखा है, आप इसका फोटो भी शायद मैं पहले पेज पे दे दूंगा, और जिन लोगों को ये दिखाई भी नहीं दे रहा वो जरूर मुझसे मैं ये डेट दिखाई देगा, और पूछोगे तो मैं ये डेट को आपको रिवाइज भी कर दूंगा। ये डेट को छोड़ के आप ऑस्पिशियस डेट लिखते हो, पंचांग में बहुत डेट अवेलेबल है। देखिए जहां डेट अवेलेबल है इसमें बहुत सारी बातें हैं जो डिबेट करने लायक बात है, जिसमें गुरु और शुक्र अस्त हो जाए तभी विवाह के मुहूर्त नहीं दिए जाते, जब अस्त हो जाता है यानी कि सूर्य से बहुत करीब आ जाए, गुरु या शुक्र अस्त हो जाए, गुरु अस्त हो जाए, शुक्र अस्त हो जाए, लोग यहाँ एक्सक्यूज ढूंढते हैं, एक्सक्यूज ढूंढते हैं, यानी कि विवाह हम जो हिंदू जो प्रोसीजर, इसमें लोग बोलते हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ इंडिया में ही लोग हिंदू ही विवाह के मुहूर्त देख के शादी करते हैं, बाकी एक्सेप्ट हिंदू और कोई करता नहीं, मुहूर्त देखते नहीं है लोग, कभी भी कर लेते हैं, तो दुनिया में इतने डिवोर्स नहीं होते ऐसा लोग बोलते हैं, बट आपने यूरोप शायद नहीं देखा होगा, यूरोप में बहुत सारी समस्या है, और ये इसके लिए नहीं कि ज्योतिष नहीं है वहाँ, बट आपके धर्म के साथ पकड़े रहे, अपने धर्म का जो शिक्षण है उसका अभाव है, तो इसकी वजह से ये सब हमारी सोच में ये नेगेटिव बातें उन लोगों ने जानबूझ के घुसाई। तो ये आप ये जो तारीख है इसमें विद्वान अपनी तरह से डिबेट करते हैं, कुछ विद्वान ये टॉलरेट कर लेते हैं कि ये तारीख अलाउड, और ये तारीख में कुछ प्लस तारीख और भी देखिए, जैसे सेजिटेरियस में जब सूर्य जाता है धनु राशि और मीन राशि में सूर्य जाता है, ये जाता है 14 दिसंबर से 14 जनवरी में, लगभग 14 जनवरी दिसंबर से, और 14 मार्च से 14 अप्रैल में मीन में, 14 मार्च से 14 अप्रैल, 14 मार्च से 14 अप्रैल में मीन राशि में सूर्य होता है, और 14 दिसंबर से 14 जनवरी में धनु राशि में सूर्य होता है। तो ये समय धनारक और मीनारक बोलते हैं, यानी कि राजा का राजा है कि इसके राजा के घर पे चला गया, राजा ब्राह्मण के घर चला गया, तो ये शुभ कार्य पृथ्वी पर लोग करना पसंद नहीं करते, क्योंकि ब्राह्मण बिजी है, गुरु है जो ब्राह्मण है या पॉजिटिवनेस है वो राजा के घर चला गया, तो लोग ये समय में भी विवाह नहीं करते, कहीं कहीं ये सब टर्म्स एप्लीकेबल कर दी जाती है, फिर भी ये जो डेट्स है इसके प्लस डेट्स है वो आपकी मर्जी की बात है, जो अगर हमको कोई पूछता है तो हम यही डेट देते हैं, ये डेट मैं जिस पंचांग को फॉलो करता हूँ, जो विद्वान को मैं सेटिस्फाइड हूँ वो डेट मैंने यहाँ लिखा है, प्लस अगर डेट ऐड होती है, बहुत सारे पंचांगों में डेट अलग अलग, ये डेट तो 100% होगी प्लस और डेट्स भी होगी, तो इस डेट को आप नजर करिएगा, कोई इसमें आपको कॉन्ट्रोवर्सी मिलती है तो उसको हटा दीजिएगा, जैसे
कहीं देखिए यहाँ मई महीने में देखिए यहाँ 16 मई भी है, यहाँ ग्रहण भी है, देखिए तो ये तारीख आप हटा सकते हैं चाहो, अगर आपके मन में है ये तो ये हटा सकते हैं। तो इस तरह से कुछ डेट्स अगर आप इसको डाइल्यूट कर सकते हैं, तो इसमें कुछ डेट जैसे ये 25 अक्टूबर है तो अक्टूबर में 25 तारीख नहीं है यहाँ, तो इस तरह से जो डेट्स अगर ऐसा आ जाता जैसे 30 अप्रैल है तो अप्रैल महीने में यहाँ 30 तारीख नहीं, तो ये डेट मैंने जो अभी हटाया मैंने देखा यहाँ ग्रहण है, ये ग्रहण की भी डेट है। तो इस तरह से डेट को अभी कुछ विद्वान तारीख दे देते हैं, अपनी लिमिट नहीं है उसके साथ चैलेंज करने की, नॉलेज की बात है और ज्ञान जागीर है उनकी, कब हो सकता है कि कोई भी, ये ज्ञान तो पुस्तकों का ज्ञान है, कोई ज्योतिष के आर पार जाना चाहे तो इस जीवन में नहीं जा सकता। मैंने बहुत सारे किताब, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे लोगों को मिला, माई एज इज 53-54 ईयर्स, लेकिन इसके आर पार जाना पॉसिबल नहीं, आपकी जितनी बुद्धि है वो कम पड़ जाएगी, 12 राशि 27 नक्षत्र सबको चार चार पैर चरण है, पैर है सबके चार चार, नक्षत्र को चार चार पैर, मतलब काफी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, आप आर पार नहीं जा सकते। तो ये तारीख का मैंने बोला, ये विवाह के मुहूर्त का बोला, इस साल में चार ग्रहण 30 अप्रैल 16 मई 25 अक्टूबर 18 नवंबर ये चार है, इसमें से सिर्फ हिंदुस्तान में ये ग्रहण दिखने वाला है, 25 अक्टूबर का ग्रहण हिंदुस्तान में दिखने वाला है। और देखिए ये मेष राशि का पहला अप्रैल का है, देखिए जहां कोई भी मेष राशि का यानी कि 3-6-11 में शुभ होता है, यानी कि कोई भी ग्रहण अगर देखिए थर्ड हाउस में हुआ हो, सिक्स हाउस में हुआ या 11th हाउस में, मतलब ये राशि में अगर ये ग्रहण हुआ है तो पहला नक्षत्र, पहला जो ग्रहण है 30 अप्रैल का मेष राशि का ग्रहण आपके लिए ये शुभ है। फिर दूसरा है वृश्चिक का लग्न का, तो ये आपके लिए अशुभ है, ये जो ये ग्रहण है ये आपके लिए अशुभ है, दिस इज नॉट गुड। फिर 25 अक्टूबर का ये जो ग्रहण है ये तुला राशि का यानी कि 12वां है, ये भी आपके लिए अशुभ है। और तीसरा ये चंद्र का, तीसरा चंद्र ग्रहण ये 8-11 को हुआ है, ये मेष राशि का हुआ है यानी कि आपके 6वें स्थान का, तो ये शुभ है, तो आपके लिए ये दोनों ग्रहण शुभ है। अभी इसमें से ये चार ग्रहण है, इसमें से सिर्फ एक ही ग्रहण यहां दिखने वाला है, ग्रहण स्पर्श, ग्रहण मध्य, ग्रहण मोक्ष, इस स्थान में इस समय में अब क्या फायदा ले सकते हैं अगर कोई अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, तो इस तारीख को पर्टिकुलरली ठीक तरह से देख लो और अपना इस तरह से प्लान करो, अपने आराध्य देवत है जो भगवान की आप पूजा करते हैं, चाहे आप गायत्री मंत्र करते हो, चाहे किसी देवता का करते हो, चाहे शिव की पूजा करते हो, जो भी भगवान की पूजा करते हो, इस समय में देखिए 30 अप्रैल को 24:15 लिखा है यानी कि ये एक दिन आगे है 30 अप्रैल से, 0 hours 15 minutes, और 26 लिखा है यानी कि 2:12 और 4:07, इस समय में अगर आप मंत्र को साधना करते हैं, मंत्र साधना करते हैं तो ये मंत्र हमेशा ग्रहण के वक्त, ये ज्यादातर ये ग्रहण के वक्त मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है, तो वो फायदा आप ले सकते हैं। इस समय को ठीक से कहीं लिख लीजिएगा या इस फोटो को, ये तो हमेशा रहेगा ही चैनल पर हमेशा रहेगा। और लास्ट चीज इस साल का गुरु पुष्य नक्षत्र का, गुरु पुष्य नक्षत्र के बारे में मैं बताता हूँ, हर महीने में एक बार चंद्र पुष्य नक्षत्र से जाता है, यानी कि 12 टाइम महीने में, साल में सॉरी, साल में 12 टाइम पुष्य नक्षत्र आना ही, कम से कम 12 टाइम आएगा, और ये 12 टाइम हर बार गुरुवार नहीं होगा, गुरुवार होगा तब गुरु पुष्य नक्षत्र होगा। तो इस साल में 28 जुलाई को गुरु पुष्य नक्षत्र है और 25 अगस्त को, 28 जुलाई को जो गुरु पुष्य नक्षत्र है वो 7:05 से पूरे रात तक है, यानी कि सुबह 7:05 से 28 तारीख को आप पुष्य नक्षत्र के दिन गुरु पुष्य नक्षत्र, गुरु मने पीला कलर का चीज हो गया, गुरु माने ज्ञान, सब ये सब अर्थ है उसका, और पुष्य नक्षत्र मतलब शनि का नक्षत्र, मतलब जो अगर आप कोई पीला चीज खरीदते हैं तो ये पुष्य नक्षत्र का जो शेप है वो गाय के आचरण समान शेप, तो उसको पालेगा यानी कि पोसेगा इंसान, इंडियन आदमी नहीं दुनिया भर में जो लोग हैं गोल्ड इसलिए खरीदते हैं, इंडियन लोग गोल्ड खरीदते ही, और गोल्ड इसलिए खरीदते हैं इट इज इजी टू कैरी, 1,00,000 करोड़ रुपए का गोल्ड आप 1 किलो गोल्ड आप खरीद कहीं भी ले जा सकते हैं, इतना कोई मतलब टफ काम नहीं है, गोल्ड इजी टू कैरी है डेफिनेटली आपके लिए, आप उसको पहले के जमाने में तो लोग छुपा भी देते थे, जब तिजोरी बैंक सब नहीं होती थी तो लोग जमीन में छुपा देते, तो गुरु पुष्य नक्षत्र का वो बेनिफिट है कि ये पुष्य नक्षत्र में लिया हुआ गोल्ड आपको बेचना नहीं पड़ेगा, गोल्डन टाइम में लोग गोल्ड खरीदते हैं, तो गुरु पुष्य नक्षत्र का ये फायदा लीजिएगा। उस दिन आप चांदी भी खरीद सकते हैं, व्हीकल भी ले सकते हैं गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन, 28 जुलाई और 25 अगस्त ये दो दिन है, इस दिन गुरु पुष्य नक्षत्र है और इस दिन आप अगर जो गोल्ड खरीदते हैं, 25 अगस्त शाम को 4:15 तक ही,
इसके पहले खरीद लीजिएगा, 4 बजे के पहले शाम को खरीद लीजिएगा। अगर आपको मैंने बोला ऐसा साल में ऐसा 12 टाइम चंद्र पुष्य नक्षत्र से पास होता है, आप कभी भी देखिए हर ग्रहों को अपना नक्षत्र होता है। जैसे ये जो कहानी है ये चंद्र के नक्षत्र की, सूर्य का भी नक्षत्र होता है, लग्न का भी नक्षत्र होता है, मंगल का भी नक्षत्र होता है, हर ग्रह कोई ना कोई नक्षत्र में होता है। चंद्र हर महीने में पुष्य नक्षत्र से पास होता है, तो ये हस्त नक्षत्र से पास होता है वो समय भी अच्छा माना जाता है। बाकी ये तो पुष्य नक्षत्र के लिए जो मैंने जो बोला ये गुरु पुष्य का 28 जुलाई और 25 अगस्त को आप गोल्ड खरीदे अगर आपकी क्षमता है, गोल्ड खरीदने की क्षमता नहीं है तो चांदी खरीदे। इन शॉर्ट ये साल बहुत अच्छा है और मैं आपको मेरा बेस्ट विशेष देता हूँ, इस साल आप इस तारीख में गोल्ड या सिल्वर खरीद सकेंगे। और बेसिकली मैं देखता हूँ, देखिए ये साल में आपको ये केयरफुल रहने का टाइम दिया है मैंने आपको, ये विवाह का मुहूर्त दिया है, उसमें पिंक कलर से जो मैंने लिखा है वो संडे। तो कभी कभी हम लोगों को लोग फोन करते हैं कि हमारे को संडे का मुहूर्त चाहिए, ऐसा बोलते हैं। देखिए जो ये इंक्लूसिव है, मतलब सिर्फ खाली स्कॉर्पियो के लिए फेवरेबल है ऐसा नहीं है, ये सभी के लिए ये तारीख है, ये डेट्स होती है, फिक्स डेट होती है, ये शुभ दिन होते हैं। अब ये शुभ दिन में आप जिस से विवाह करते हैं दोनों चार्ट को मैच करते हैं, 4, 8 या 12वां गुरु में लगभग हमारे महाराष्ट्र में ज्योतिष ना बोलते हैं विवाह के लिए, जनरली 4, 8, 12 में विवाह होने की संभावनाएं भी कम होती, जनरली कम होती है, बट आप पहले से ही विवाह डिसाइड कर लेते हैं और बाद में आगे बढ़ते हैं तो ऐसा हो सकता है, तो गुरु का मंत्र कराया जाता है। जैसे सूर्य 6-8 सूर्य 8वें 12वें स्थान में हो तो सूर्य का मंत्र कराया जाता है, जो भी प्लेनेट उसमें अगर आपको लगे कि अशुभ स्थान में तो उसका मंत्र कराया जाता है, तो वो सब्जेक्ट आपके घर पे जो आप विवाह मैच करवाते हैं, जिनसे आपका विवाह का डेट लेते हैं, विवाह के विवाह में किसी महाराज को या बुलाते हैं, अगर वो नहीं है तो मैं देखिए मैं इसके लिए भी एक समय, इसका जनरली क्या होता है गौधुली का भी समय होता है, देखिए इसमें कोई कोई समय है जो गौधुली का है। गौधुली का समय क्या मतलब क्या होता है, देखिए शाम को अभी तो गाय नहीं बची तो गौधुली की क्या बात हो सकती, शाम को जब गाय लौट के अपने घर आती, पहले दिन में गाय जाती है, गाय भैंस सब जाते हैं घास खाने और मतलब खेत में जाते हैं और शाम को लौट के घर आते हैं, तब उनके आने से जो धूल उड़ती ये बड़ी पवित्र धूल मानी जाती है, गौ धूली बोलते हैं, वो गौ धूली का मुहूर्त हमेशा शाम का ही होता है, क्योंकि सूर्य का अस्त होना और इन जानवरों का घर पे वापस आना गौ धूली का मुहूर्त माना जाता है, तो इसमें कोई कोई शाम के भी मुहूर्त होते हैं, उसका समय होता है। तो आप में आगे इसमें डीपली स्टडी करने के लिए जो मैंने डेट बताया थोड़ा आप अगर जो प्लान करते हैं तो ये अंदाज़ आ सकता है, और जो लोग इसके प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं और स्टडी कर सकते हैं। मैंने बोला ऐसा जो एस्ट्रोलॉजी है ये गॉड गिफ्टेड सब्जेक्ट है, इसमें पर्टिकुलरली आप आर पार सब कुछ देख सकते हैं ऐसा कोई दावा करता है तो ये भी बहुत लिमिट से ज्यादा झूठ बात है, कुछ चीजें आप देख पाते हैं, कुछ चीज आप जोड़ पाते हैं। और मैंने जो लॉजिक बोला है, देखिए अगर आपके संतान है ये साल, उनकी आप ग्रोथ देखेंगे, नया घर लेने के लिए प्लान कर रहे हैं तो नया घर प्लान हो सकता है। इन शॉर्ट मैं इस साल को बहुत उम्मीद वाला साल स्कॉर्पियन के लिए गिनता हूँ, दिस इज द बेस्ट ईयर फॉर यू। और पुष्य नक्षत्र के दिन कुछ भगवान की कृपा रहे आप पे, मैं मेरा बेस्ट विशेष देता हूँ आप गोल्ड या सिल्वर खरीद पाए। मेरा अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार कीजिएगा, और जो लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको मैं एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।